क्या सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद एल्विश यादव अपने ही बयान से पलट गए हैं? 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए जेल में डाल दिया। यूट्यूबर को उन्हीं के घर से अरेस्ट किया गया जिसके फोटोज और वीडियोस सामने आए। फैंस काफी हैरान रह गए, लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ी शॉकिंग अपडेट सामने आई है जिससे फैंस और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। खबरों की माने तो एल्विश यादव ने अपना जुर्म कबूल लिया है। जी हाँ, खबरें यही कह रही हैं कि एल्विश यादव की मुश्किलें अब और बढ़ती दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जो उनके ऊपर एक्ट लगाया गया है वो सच में कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं है। लेकिन उसकी बात बाद में करते हैं, पहले जो शॉकिंग खुलासा है वो मैं आपको बता दूं। एल्विश यादव ने इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पार्टियों में सांप और सांपों के जहर को मंगवाया करते थे। वेल, आपको बता दें, अब से कुछ महीने पहले एल्विश यादव पर इस बात को लेकर आरोप लगे थे कि वो रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज कराते हैं और साथ ही उन पार्टीज में स्नेक्स और स्नेक वेनम्स को भी प्रोवाइड कराया जाता है। एल्विश यादव के अलावा इस मामले में 5 और लोगों के नाम सामने आए थे, लेकिन इस बीच यूट्यूबर एल्विश यादव काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गए, काफी ज्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो एक काफी बड़ा नाम बन चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि खबरें ये कह रही हैं कि एल्विश यादव अपना जुर्म कबूल चुके हैं। वेल, इस वक्त इंटरनेट पर एल्विश यादव छाए हुए हैं, उनके फोटोज और वीडियोस वायरल है जिसमें वो पुलिस के साथ नजर आ रहे हैं, और उसके कुछ ही देर बाद ये खबर आई कि यूट्यूबर को 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। नोएडा के एक जेल में वो इस वक्त मौजूद है। फिलहाल इसके अलावा कोई और अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। वेल, आपको बता दें कि जब ये FIR उन पर हुई थी तो उस वक्त उन्होंने अपने इंस्टाग्राम लाइव और अपने व्लॉग्स के जरिए इस बात को साफ किया था कि वो इन पूरे मामलों से दूर हैं, उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने सभी बातों को खारिज कर दिया था, नकार दिया था। लेकिन अब खबरें ये कह रही हैं कि पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने उन्होंने इस बात को कबूल लिया है कि हाँ, वो रेप पार्टीज ऑर्गेनाइज कराते थे और सांप और सांपों की जहर को भी वहां प्रोवाइड कराया जाता था। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एल्विश यादव के इस पूरे केस पर आपका क्या कुछ है कहना, कमेंट सेक्शन में बताइए।